बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रॉमिस करेंगे, ठीक है, रोज़ की तरह। तो अपने हैंड्स को ग्रिप कीजिए। आई प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट माई टीचर एंड माई एल्डर। आई प्रॉमिस टू वर्क हार्ड एंड हेल्प द पुअर। I pray for Allah to keep my promise. Say Amin. Student, आज हमारा subject है उर्दू। तो take out your उर्दू copy and उर्दू, ठीक है, book भी take out कीजिए और copy भी। सबसे पहले हम copy का work करेंगे। तो देखें, आज हम नया हर्फ लिखेंगे और पढ़ेंगे। मम्मा आपकी copy इस तरह ready करके देंगे। सबसे पहले date show करेंगे, 7 दिसंबर 2020, ठीक है। इस तरह सबने डेट शो की, फिर मार्जिन ड्रॉ करेंगी मम्मा, फिर इसी तरह हेडिंग शो करेंगी, फिर ड के ऊपर छोटी तोय, ड के ऊपर छोटी तोय, ड के ऊपर छोटी तोय, ठीक है। इसी तरह हेडिंग शो करेंगी, पेंसिल फेरें और याद करें, और इसी तरह 3 डॉट लगाएंगी जैसे द में लगाए थे, ठीक है, 1 2 3। तो आपको बनाना आ गया है ना, अब तो आप लोग थोड़े से बड़े भी हो गए हैं, तो आपने जैसे द बनाया था इसी तरह ड भी है, बस इसके ऊपर छोटी तोई भी लगेगी, ठीक है, ड के ऊपर छोटी तोई भी लगेगी। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं बना पा रहे तो वो ज़्यादा डॉटिंग करके भी बना सकते हैं, ठीक है। वैसे कोशिश यही करेंगे 3 डॉट पर बनाएं ताकि आपको बनाना आ जाए। चलें, अब मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। नुक्ते से शुरू किया, इस नुक्ते से मिलाया और फिर इस नुक्ते से मिलाया, छोटी तोएं लगाई, क्या बन गया बच्चों? ड, ड डंडा, ड डबल रोटी, ड डब्बा, डडा किया, ड के ऊपर छोटी तोय, नुक्ते से शुरू किया। अच्छा, बाज़ बच्चे ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं तो ये रॉन्ग फॉर्मेशन है, इस तरह आपने नहीं करना है, ठीक है। आपने ऊपर वाले नुक्ते से ही स्टार्ट करना है। और वर्क करने से पहले मैम बताती है ना आपको क्या पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे आपका वर्क खुद ही इतना अच्छा होता है, ठीक है, बिस्मिल्लाह की बरकत से बहुत अच्छा सा आपका काम हो जाता है। नुक्ते से शुरू किया, इस नुक्ते से मिलाया, फिर उस नुक्ते से मिलाया, छोटी तोएं लगाई, क्या बन गया बच्चों? ड, ड डाकिया, ड डब्बा, ड डायनासोर, ड के ऊपर छोटी तोएं। इसी तरह आपने पूरा पेज करना है, एक पेज ये और अगला पेज भी इसी तरह रेडी करेंगी मम्मा। यानी इस काम को आपने 3 मरतबा करना है, ठीक है। इस काम को कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। सब बच्चों की समझ में आ गया ना, इससे दोस्ती भी करनी है आपने, ड से बहुत अच्छी दोस्ती करनी है ताकि आप कभी भी इसको ना भूलें। और 3 सफ़ों पर ये काम करना है। सबकी समझ में आ गया, इसी तरह करेंगे। क्लोज योर कॉपी, टेक आउट्स योर बुक। ओके स्टूडेंट, सब ने टेक आउट कर ली होगी उर्दू बुक। तो ओपन योर बुक पेज नंबर, आज हम सफ़ा नंबर 39 पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम सफ़ा नंबर कौन सा पढ़ेंगे, बल्कि सॉरी 38 सफ़ा नंबर 38 पढ़ेंगे, ठीक है। सफ़ा नंबर 38 पर देखिए, इस पेज पर क्या हेडिंग है, चिपकाइए। तो हमें चिपकाना नहीं है, रंग भरना है। पहले इसको, इसकी हेडिंग चेंज करेंगे। इस सफ़े पर देखिए, एक छोटी तस्वीर है, यहाँ इसमें क्या लिखना है, रंग भरिए, ठीक है। यानी इस सफ़े पर हमें सिर्फ एक काम करना है, रंग भरिए। सबसे पहले हम आज की तारीख लिखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाला काम हमने इस तारीख को किया था। तो आज तारीख है 7 दिसंबर 2020।
यहाँ देखें बच्चों, बादल बने हैं और नीचे बूंदे हैं। क्या है? बादल बने हैं ऊपर और नीचे बूंदे हैं, तो हमें बूंदों में कौन सा रंग करना है? नीला। बूंदे नीले रंग की होती है ना, तो आपने पीछे पेज पर भी यही एक्टिविटी की थी और इस पेज पर भी हमें नीले रंग की ही एक्टिविटी करना है, यानी नीला रंग भरना है। ठीक है बच्चों, तो एक बूंद में मैं आपको रंग भर के दिखाती हूँ, बाकी बूंदों में आपने खुद भरना है। ठीक है, देखें पहले बॉर्डर बनाएंगे, इसमें भी पहले बॉर्डर बनाएंगे ताकि हमारा रंग लाइन से बाहर ना आए। ठीक है, बूंद किस रंग की होती है बच्चों? बूंदे नीले रंग की, ऊपर नीचे मूवमेंट में हम अब इस बूंद में रंग भरेंगे। ठीक है, देखें इसी तरह आपने सारी बूंदों में रंग भरना है। इस तरह आपका सफ़ा नंबर 38 मुकम्मल हो जाएगा। आप न्यू पेज ओपन करेंगे।